दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिछले 6 वीडियो में आपको इससे रिलेटेड दे चुका हूं, जहां पर बेसिक कंडीशन से लगाकर शॉर्ट क्वेश्चन तक के वीडियोस में आपको दे चुका हूं। पिछला क्वेश्चन दिया था जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ लगभग लगभग बता चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि मेरा अभी चल रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वीडियोस लगातार प्रोवाइड करा जा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी स्टैंडर्ड में स्टडी करते हैं जहां पर ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इन वीडियोज को जाकर के बाद में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन हम लोगों को करना है वो आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी गई है, फ्रॉम द फॉलोइंग आर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी 2014 and 15। 2014-15 में एक बैलेंस शीट दी गई है कंपनी की। इंफॉर्मेशन क्या है? शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है 70,000, 74,000, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है 10,040 और 10,560। नॉन करंट लायबिलिटी है में आपको डिबेंचर्स दिया गया है 12,000, फिर 6,000। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं 10,360, 11,840। उसके बाद असेट्स में आपके पास लैंड है, गुडविल है, ट्रेड रिसेबल्स हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसेबल्स है, इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड्स पेड 3,500 रुपये 14-15 में दिया गया है, लैंड परचेज 10,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हमसे ये पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत खैर कठिन क्वेश्चन नहीं है। कठिन क्वेश्चन वो बनता है जब आपसे कोई असेट्स की बिक्री करने को कह दे और उस पर WDV दे दे, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दे, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दे, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इनके फिर अकाउंट बनाने पड़ते हैं, थोड़ा सा कठिन बन जाता है। ज्यादा कठिन कुछ नहीं होता, ज्यादा कठिन एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। और जैसे मैंने पढ़ाया है, अगर आपने इसी तरीके से पढ़ाया तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। जब असेट्स कोई बेची जाती है उसके लिए क्या एडजस्टमेंट की जाती है, कैसे अकाउंट बनाया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सब कुछ बता के आया हूं। तो यहां पर ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो सीधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट ही तैयार करते हैं, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो चलिए देखते भैया कैसे इसको तैयार किया जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2015। यहां हमारा अमाउंट रहेगा और ये भी अमाउंट का कॉलम बनेगा, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत होती नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोग को चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम लोग कैलकुलेट करने चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर हमको चाहिए होता है। क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब वर्ष में कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, आपके पास में जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो है 10,560 और पिछले वर्ष का प्रॉफिट था 10,040। तो 10,560 और 10,040, इन दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिए। ये करंट ईयर प्रॉफिट है 520 रुपया, तो 520 रुपये हम लोग यहां पर इधर नोट आउट कर लेंगे 520। अब ऐड करते हैं इसमें, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंस जो नॉन कैश हैं या नॉन ऑपरेटिंग, अर्थात जिनमें कैश नहीं लगता या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिविडेंड्स पेड दिया गया है। क्या दिया गया है? डिविडेंड्स पेड कितना? 3,500 रुपये का डिविडेंड्स पेड हुआ है। गुडविल रिटर्न ऑफ दिया गया है,
कितना गुडविल रिटर्न ऑफ किया गया है, 5,000 रुपए का गुडविल रिटर्न ऑफ किया गया है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया गया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसेबल्स ये कितना है, पहले था 700, 800 है। इसके लिए हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो ट्रेड रिसेबल्स इसको माइनस भी कर सकते हो, या तो दोनों वैल्यू से माइनस कर दो फिर भी वही बात आ जाएगी, या तो फिर क्या करो इसकी वैल्यू को ला करके सारे सीधे यहां पर नॉन ऑपरेटिंग में लिख दीजिए। तो देखिए हम लोग एक बार देख लेते हैं सब कुछ हो गया है कि नहीं, पीएल स्टेटमेंट हो गया है हमारा, डिबेंचर्स आएंगे नहीं यहां पर अभी, ये हो गया हमारा, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया है, डिविडेंड्स पेड था ये हो गया है, ओके। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे यहां पर, तो ये हमारा टोटल कितना आएगा, 5, 3, 8, 8,600, कितना टोटल आएगा 8,600, इसको ऐड कर लेंगे 0, 2, 6, 5, 11 और 9, 9,120। ये 9,120 कौन सी वैल्यू आ गई है, इसको कहा जाता है कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में चेंज से पहले की ये कैश फ्लो हमारे पास आ गई है, अभी कैश फ्लो हमारा जो है वो वर्किंग कैपिटल के चेंज से पहले का है। तो वर्किंग कैपिटल जो हमारा इससे पहले का है, तो अब हम लोग इसमें करते हैं वर्किंग कैपिटल का चेंज देखते हैं। वर्किंग कैपिटल के चेंज के लिए मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले, अगर हमारी करंट असेट्स डिक्रीज होती है तो ऐड किया जाता है, करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो लेस किया जाता है। करंट लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होती है तो ऐड किया जाता है, डिक्रीज होती है तो लेस किया जाता है। क्यों ये किया जाता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है तो हमारे वीडियो में चले जाइए जहां पर मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताई है इनडायरेक्ट मेथड, मतलब वीडियो नंबर 3 में चले जाइए, लेक्चर नंबर 3 में, बहुत डिटेल में विद डिजिट्स के साथ मैंने आपको क्लियर किया है, कुछ संख्याओं के साथ उदाहरण देते हुए मैंने क्लियर किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या हुआ है हमारे पास में। सबसे पहले देखो लायबिलिटी से स्टार्टिंग करेंगे, लायबिलिटी हमारे पास थी क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स हमारे पास पहले 10,360 के थे और उसके बाद 11,840 के हैं, तो क्रेडिटर क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, और क्रेडिटर इंक्रीज हो तो क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना इंक्रीज हुआ है, तो देखो 11,840 की प्रेजेंट वैल्यू ये है और पहले हमारे पास 10,360 थी, तो 10,360 यहां 0, 14 से 6 गया तो 8 और 7 से 3 गया तो 4 और यहां पर 1, 1480 रुपए हमारे क्रेडिटर्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, तो 1480 रुपए इनको हम लोग यहां पर ऐड कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में चलेंगे तो देखेंगे ट्रेड रिसेबल्स, पहले 14,900 थे अब 17,700 हैं, ये क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। करंट असेट्स अगर हमारी इंक्रीज होती है, अगर करंट असेट्स हमारी इंक्रीज होती है तो इसको लेस किया जाता है, पहले देख लें होगी कितनी, तो 17,700 भी प्रेजेंट में है, 17,700 और पहले कितनी थी, तो 14,900 थी, 14,900, 0, 0, 17 से 9 जाएगा तो 8 और यहाँ 6 से 4 जाएगा तो 2, 2,800 रुपए इंक्रीज हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल्स, कितना 2,800 रुपए इंक्रीज हो गया है, अभी इंक्रीज हो गया है तो इसको लेस किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी अगर हमारी ट्रेड रिसेबल्स इंक्रीज कर जाएगी, कोई भी करंट असेट्स अगर इंक्रीज करेगी तो लेस करेंगे, करंट असेट डिक्रीज करेगी तो ऐड करेंगे। ट्रेड रिसेबल्स हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया, इन्वेंट्रीज देखो, इन्वेंट्री पहले 49,200 थी अब 42,700 है, ये घट गई है, कितनी घटी है, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं हम लोग, 49,200 थी पहले और अब है 42,700, कितनी है 42,700, तो 0, 0, 12 से 7 गया 5, यहाँ पर 8 से 2 गया 6, 6,500 रुपये से ये डिक्रीज हो गई है, पहले थी 49,200 अब है 42,700, डिक्रीज हुई है, तो इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, डिक्रीज इन ये क्या है मेरा, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है 6,500, कितना डिक्रीज हुई है, 6,500 रुपए से ये डिक्रीज हुई है। अब देखो मेरी 3 करंट असेट्स थी वो हो गई हैं, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब क्या करना है, यहां पर हम लोग ये लाइन खींचेंगे, इन सब का टोटल करना है, देखो ये टोटल इन दोनों का टोटल होगा और ये उसमें से माइनस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा,
इन दोनों का टोटल पहले देख लो कितना आएगा, 0, 8, 5, 4, 9 और 6, 1, 7, इसमें से 2800 माइनस कर दो तो 0, 8 और यहाँ 9 से 8 जाएगा तो 1 और यहाँ पर 7 से 2 जाएगा तो 5, 5180, 5180 ये वैल्यू हमारी फेवरेबल आ गई है। अब इन सब का टोटल कर लो कितना टोटल आएगा, 0, 8, 2, 10, 1, 1, 2 और 1, 3, 9, 5, 14, 14,300 ये हो गया मेरा कैश फ्लो बिफोर इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स होता तो उसको माइनस करते, लेकिन इनकम टैक्स है नहीं, होता तो माइनस करते नहीं है, तो 14,300 ही हमारा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरा नेट कैश फ्लो कितना हुआ है, तो 14,300 रुपए का मेरा नेट कैश फ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मैंने पूरे क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरा हो गया है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद में होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो चलते हैं देखते हैं चल के कि कैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सॉल्व किया जाएगा। वैल्यू हो गया है, यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग उधर कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हुआ क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मोस्टली एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदी गई है या बेची गई है। अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीदी या बेची जाती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। हाँ, अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, और अगर पे हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, पे किया गया है फाइनेंसिंग में जाएगा। यहाँ पर एसेट्स का एक साथ में ट्रांजेक्शन हुआ है, लैंड परचेज करी गई है 10,000 की, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना भी होता तो भी मुझे पता था कि परचेज करी गई, पहले लैंड 10,000 की 20 की थी, अब 30 की है, तो फिर 10 कैसे बढ़ गए, खरीदी गई होगी। लैंड एक ऐसी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड एक मात्र ऐसी फिक्स्ड एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो यहां क्या किया गया है, परचेज ऑफ लैंड, कितने की लैंड परचेज करी गई, 10,000 की। तो जब 10,000 की लैंड परचेज कर ली गई तो इससे क्या होगा, कंपनी के पास में ठीक इतना ही 10,000 रुपए का कैश आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 10,000 आएगा ये, और ये क्या होगा, नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हुआ, 10,000 का कैश यूज हुआ है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या हुआ है, तो सबसे पहले देखो ऊपर शेयर कैपिटल, पहले 70 थी अब 74 है, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, 4,000 का शेयर कैपिटल इशू किया गया है। तो इससे क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। इनफ्लो को विदाउट ब्रैकेट और आउटफ्लो को ब्रैकेट में रखना है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 6,000 रुपए के डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हुआ है, तो यहां पर कैश क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। 6,000 का रिडेम्पशन हुआ ना, हाँ जी सर जी, 6,000 का रिडेम्पशन हुआ है। तो देखो शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गया, आगे चलें तो डिविडेंड्स पेड हुआ है 3,500 का। कितना डिविडेंड्स पेड हुआ है, 3,500 का। तो डिविडेंड्स पेड 3,500, यहां से भी कैश क्या होगा, कैश यहां से जाएगा। कितना जाएगा, 3,500 जाएगा। देखो क्या कुछ और है, डिविडेंड्स हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ एक ही जगह जाएगी, वहां हो चुका है, लैंड हो चुका है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब इसका हम टोटल करते हैं, तो देखो 6,399,500 हमारा कैश आउटफ्लो है और 4,000 का कैश इनफ्लो है। तो 9,500 माइनस 4,000 ये कितना बनेगा, 5,500 रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ है। यही 5,500 हमारे इधर आ जाएंगे, 5,500, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 5,500। ओके, यहां पर फिर इसका भी टोटल कर दीजिए 10,000,
है ना। ठीक है, अब ये हमारा क्या बना, नेट कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो मेरे पास कैश फ्लो हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कैश यूज हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, और कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो ये देखो कि टोटल यूज ज्यादा है या फिर टोटल आपके पास में फ्लो ज्यादा है, दोनों में ज्यादा क्या है। तो यहां हमारे पास वैल्यू है 14,300 और वहां 10,000 और 5,500, तो 10,000 और 5,500 हो जाता है 15,500, जबकि यहां पर हुआ है 14,300। तो कुल मिलाकर हमारे पास में यूज ज्यादा हो गया है, फ्लो कम हुआ है, यूज ज्यादा है फ्लो कम है। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, नेट कैश डिक्रीज। डिक्रीज कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो देखो 10,500 आपके पास में क्या हुआ है, कैश गई है, और सॉरी कैश आपके पास इंक्रीज होगा 10 और 5, नहीं नहीं भाई ठीक है 10,000, तो ये 10 और 5 15,500, 15,500 आपके पास से क्या हुआ है, कैश यूज हुआ है, और 14,300 रुपए का कैश फ्लो हुआ है। तो 0, 0, 2 और 1200 कुल मिलाकर के आपकी कैश क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो नेट कैश डिक्रीज कितनी हुई है हमारी, कितनी हुई है, 1200 रुपए की कैश डिक्रीज हुई है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, देखिए जब कैश डिक्रीज हमको पता चल गई है कि 1200 रुपए की हुई है, तो इसमें आप क्या करिए, ओपनिंग बैलेंस जो कैश का है उसको जोड़ दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस अपने आप आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस जो था उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस था 9,000, कितना था 9,000 रुपए का। अब 1200 माइनस का है, 1200 क्या है माइनस का है, उसमें आप 9,000 प्लस की वैल्यू जोड़ो, 1200 माइनस है उसमें 9,000 आप प्लस की वैल्यू जोड़ दो, तो क्या निकल करके आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्योंकि ये जुड़ने के बजाय घट जाएगा। तो 9,000 से 1200 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 7,800। आप अपने क्वेश्चन में देखो चल के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना दिया हुआ है, 7,800 ही क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन को पूरा खत्म करने के बाद हमने ये जान भी लिया कि मेरा क्वेश्चन एकदम सही लग गया है, क्योंकि जब मैं अपना नेट डिक्रीज या नेट इंक्रीज इन कैश में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जोड़ूं, तो फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अपने आप निकल कर आ जाना चाहिए था, शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जो कि मेरा निकल करके आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सामान्य भाषा में मैं समझाते हुए आपको मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद भी आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। हमारी तरफ से कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। हाँ, आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज कॉमर्स विद वित्सिरा के नाम से ये सारे ही चैनल ओपन हैं, इन पर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं, मैं इनका प्रॉपर सोल्यूशन देने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही आसानी के साथ में सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमको अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वहां से स्टार्ट करेंगे कोई अगला नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वही वाला चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।